नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जाधव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जेसीबी वाला गुरुजी में। एक्चुअली ये जेसीबी 3DX है, इसका इंजन सीज हुआ है तो वो खोल रहे हैं आज की वीडियो में। यहाँ पे रेडिएटर वगैरह सब कुछ खोल के रखा है, ऑयल कूलर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये आतिश और मैं दोनों खोल रहे, ये रेडिएटर, बाकी कूलर वीलर सब कुछ खोला है। अभी ये ऊपर का एयर क्लीनर असेंबली, साइलेंसर का ये सब बाकी है, वो खोलने के बाद आपको आगे क्या क्या होता है वो आज हुआ पॉसिबल तो आज के वीडियो में, नहीं तो कल के वीडियो में दिखाऊंगा इंजन के अंदर क्या कितना खर्च आता है क्या सब कुछ, ठीक है। अभी सीज क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें नहीं था ऑयल, ऑयल बहुत कम निकला था। तो आप सभी को निवेदन है कि ऑयल लेवल चेक करते जाओ टाइम पे, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। इंजन ऑयल इसमें बहुत कम था, गेज को लगता ही नहीं था, इस वजह से इसका इंजन पकड़ा है। अभी क्रैंकशाफ्ट, बेरिंग बीरिंग सब कुछ पकड़ा होगा, पिस्टन चेक करना पड़ेगा, ये सब कुछ तो खोलने के बाद पता चलेगा। लेकिन बस वीडियो बनाने का मकसद और आपको बताने का रीज़न है कि यहाँ से हर बार आप इंजन ऑयल लेवल चेक करते जाओ। ये बाद में 5-6 लीटर इसमें ऑयल डाला है, ठीक है, वो इंजन पकड़ने के बाद में डालेगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो काम निकलने से पहले अगर आप इंजन ऑयल लेवल और कूलेंट लेवल देखते हैं तो आपका इंजन का काम कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम निकलता है और खर्चा कितना, वो सब कुछ बताऊंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी तक आपने नहीं किया है तो।